हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के लिए पोषण, यानी कि हमारे जीवन में किन अवस्थाओं में हमें कितने पोषक तत्वों की और कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे जीवन की कई अवस्थाएँ हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो अब इन सब अवस्थाओं में हमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, बेसिकली मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग चार्ट से अपने नोट्स को अच्छे से बनाइएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं बाल्यावस्था। इसमें देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता, ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित है, तो ये निर्धारित है ICMR द्वारा निर्धारित है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषक तत्व। आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि बालक और बालिकाओं को कितने कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक एक को डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख के फिर आप लोग नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, प्रौढ़ पुरुष की क्रियाशीलता के आधार पर दैनिक जो है कितने दिन, एक दिन में कितने पोषक तत्वों की मांग की जाती है। तो एक प्रौढ़ पुरुष पौष्टिक तत्व यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील यानी मीडियम साइज के काम करने वाले, और कम क्रियाशील यानी कि जो केवल कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं। ठीक है, अधिक क्रियाशील में आते हैं मजदूर वर्ग, खिलाड़ी, ये लोग अधिक क्रियाशील रहते हैं। मध्यम वर्ग में आते हैं जो कि डेली दोनों करते हैं, यानी कि शारीरिक करते भी है और मानसिक भी करते हैं, दोनों बराबर में करते हैं। और कम क्रियाशील में ऐसे लोग आते हैं जो कि केवल कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रौढ़ महिला की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की मांग। ठीक है, यहाँ पोषक तत्व, यहाँ पर देखिए अधिक क्रियाशील यानी कि जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, और कम क्रियाशील यानी कि जो फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क करती हैं, वो कम मध्यम क्रियाशील की होती हैं, और कम क्रियाशील जो कि केवल आराम से बैठकर, केवल कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले, जो कि मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और फिजिकल वर्क कम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की भी जो है पोषक तत्वों की ये दैनिक मात्रा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। ICMR द्वारा निर्धारित, 1993 ICMR द्वारा निर्धारित है। यहाँ देखिए एज भी दिया हुआ है वृद्धों के लिए। ठीक है, आयु और भार, आयु वर्ष में दिया है और भार दिया है। ठीक है, भार इतना होना चाहिए, इधर पुरुष और इधर महिला है, और ये सारे पोषक तत्व हैं। और पुरुषों को कितनी ज़रूरत होती है, महिलाओं को कितनी ज़रूरत होती है, ये यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, हो गया होगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गर्भवती स्त्री का है, इसको तो आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। कैलोरी, प्रोटीन और कैल्शियम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान देखिए, कम क्रियाशील वाली महिला, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील महिला को कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कैलोरी कितनी पड़ती है, तो 1875 कम क्रियाशील प्लस 300। ठीक है, यानी कि इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं प्रेग्नेंट होने पर, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन, कैलोरी सब में क्या है, प्लस है, क्योंकि ये चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही हैं। और कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील, इसको भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ऐसे यहाँ तक सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, चीज़ें वही याद करिए जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला के लिए कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, यहाँ तक ही ज़्यादातर पूछा जाता है। बहुत हुआ तो वो पूछ लेता है राइबोफ्लेविन और थायमिन और विटामिन, ये नीचे बहुत ज़्यादा तक नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों को अगर ठीक लगे तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, चार्ट को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं लैक्टेटिंग मदर यानी कि धात्री माता, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने पोषक तत्वों की एक दिन में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। मैंने फिर वही बताया कि कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और आयरन यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, और नीचे तो आप लोगों की जो है, आप लोगों का मन करे तो आप लोग
याद कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा चार्ट आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, आपके सामने रख दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का हमारा छोटा सा सेशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को रोज़ मिलेंगी, जिससे कि आप होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, आप लोग थ्योरी से पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से क्रैक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।